हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी जंप सूट की कटिंग, जो लगभग 1 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए जंप सूट मैंने ये बनाई हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने टॉप पार्ट के लिए इस तरह से दो पार्ट कट कर लिया है फैब्रिक से, जिसकी जो लेंथ होगी वो 8 इंचेस की होगी और जिसकी विड्थ जो होगी वो 7 इंचेस की होगी। अब जो हमें इसकी शोल्डर और नेक की मार्किंग करनी है, शोल्डर के लिए हम 4 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी आर्म होल की गोलाई होगी, इसके लिए हमें 3.5 इंचेस पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें हल्का सा कर्व शेप दे देना है। अब जो हमारी जो फिटिंग होगी वो हम देख लेंगे। जो हमारा चेस्ट पार्ट होगा वो 5 इंचेस का होगा जिसकी फिटिंग होगी, बट हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये हमारी बलून वाली टॉप होगी। और जिसकी वेस्ट की जो फिटिंग होगी वो 4.5 इंचेस की होगी। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमारी नेक की मार्किंग करनी है हमें, तो नेक के लिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी गोलाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे राउंड नेक का शेप दे देना है। और फिर हमें अपनी जो मार्किंग की हुई है उसे हमें कट कर लेना है। देखिए, मैंने 2 पीसेस को कट कर लिया है। हमारी टॉप पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हमारे बॉटम के लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस और कट की हुई है, जिसे फोल्ड फोल्ड करके मैंने बिछाया हुआ है। इसकी जो लेंथ होगी वो 9 इंचेस की होगी और जो इसकी विड्थ होगी वो भी 9 इंचेस की होगी। अब हमें अपना जो टॉप पार्ट है उसे इस तरह से बैठाना है और ऊपर का जो वेस्ट लाइन है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क कर लेने के बाद हमारा टॉप पार्ट को हमें हटा देना है। अब हमें ऊपर से सेवन इंचेस पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस साइड से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना है। अब जो हमारी जो बॉटम की फिटिंग होगी नीचे की वो 6.5 इंच हम रखेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और हमारी जो यहाँ से हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। देखिए, हमारी जो बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब टॉप पार्ट के लिए हमें जो हमारी फ्रंट होगी टॉप पार्ट की, उसे हमें एक साइड से निकाल लेना है और इसे वापस से हमें 2 फोल्ड करना है और बीच से हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें 2 पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। एक स्ट्रिप दूसरे स्ट्रिप से थोड़ी पतली होगी। जो हमारी एक साइड की स्ट्रिप्स होगी वो 2 इंचेस की होगी और एक 3.5 इंच की होगी। अब चलिए इसे स्टिच करना हम बताते हैं। जो हमारी एक साइड की स्ट्रिप्स जो हमने पतली कट की थी उसे हमें पहले बैठाना है। इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिल लेना है इसे। अब हमें सिलाई पक्की
करके ऐसे बैठाते हुए इसे वापस से सिलना है। सिल लेने के बाद हमें जो हमने इसमें बैठाया था पट्टी, इसे पट्टी को अंदर की ओर मोड़ते हुए इस तरह से वापस से सिलना है। अब हमारी जो दूसरी साइड है उसे हमें जो दूसरी स्ट्रिप कट की थी उसे हमें सीधी रखनी है और हमें अपना टॉप पार्ट को उल्टी साइड रखते हुए इसे सिलना है। अब हमें इसे इस तरह से खोलते हुए इस तरह से मोड़ते हुए हमारी जो सिलाई है उस पर इस तरह से बैठा लेंगे और फिर इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सो सिलाई लगा लेने के बाद हमारा जो बैक है इसे उल्टे साइड बिछा करके दोनों सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए हमारी जो शोल्डर है उसे हम जोड़ लेंगे। देखिए मैंने अपने शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हमें एक उरेप पट्टी कट करनी है और हमें उसे अपने नेक की फिनिशिंग देनी है। इस तरह से हमें इसमें बैठा करके अपने नेक पे सिल लेना है। वापस इसे इस तरह से फोल्ड करके हमें अपने नेक को फिनिशिंग टच देना है। और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब जो हमने पट्टी बिठाई थी उसे उल्टी साइड में इस तरह से बैठा करके उसे सिल लेना है। सो एक बार जो हमारी जो नेक की फिनिशिंग हो जाए तो सेम प्रोसेस हमें अपनी शोल्डर हमारी जो आर्म होल की शेप है वहाँ पे भी हमें उरेप पट्टी को बैठा करके दोनों को फिनिशिंग टच दे देना है। देखिए मैंने दोनों साइड्स को सिल लिया है। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है तो हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे सिल लेना है। फिटिंग की सिलाई हमें करनी है अपनी। दूसरी साइड को मैं इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिल लूंगी। सो इसी तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो बॉटम पार्ट है उसे हम सिलेंगे। तो उसके लिए हमें अपने बॉटम पार्ट को लेना है और खोल करके इसे दोनों सीधी साइड को अंदर की साइड करते हुए हमारे सिलाई करनी है हमें। सो इस तरह से हमें खोल करके अच्छे से बैठा लेना है। उल्टी साइड को हमें ऊपर की साइड रखना है और सीधी साइड को नीचे साइड, और फिर हमें इस तरह से साइड्स की सिलाई कर लेनी है। सो इस साइड दोनों साइड को मैं इसी तरह से सिल लूंगी।
अब हमें इसे खोल करके हमारी जो सिलाई है उसे सेंटर में करते हुए नीचे की साइड को इस तरह से हमें सिलना है। इसे सिल लेने के बाद हमारे जो नीचे में इस तरह से हमें कपड़े को अपनी मोड़ लेना है, मोड़ करके हमें इसमें सिलाई करनी है। इसी तरह मैं दोनों साइड की जो पट्टी है मैं इसे मोड़ लूंगी अंदर की ओर। तो इसी तरह से मेरी जो बॉटम पार्ट है वो भी सिल चुकी है। अब हम इसमें टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। सो टॉप पार्ट को अटैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी टॉप को करना उसे हमें पहले पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। जहाँ हमें बटन्स लगानी है वहाँ हमें सिक्योर कर लेना है पिन की हेल्प से इस तरह से। और उसके बाद जो हमारा बॉटम पार्ट है उसे हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेने के बाद हमारा जो टॉप पार्ट है इसे अंदर की ओर रखते हुए दोनों की वेस्ट लाइन को मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो सेंटर में आप कट लगा सकते हैं हल्का हल्का मार्किंग के लिए, या फिर आप पिन के हेल्प से सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा वेस्ट लाइन को सिल लूंगी। वेस्ट लाइन सिलने के बाद हमें अपनी इलास्टिक को इसमें अटैच करना है। तो देखिए हमने अपनी वेस्ट लाइन को मिला के सिल लिया है। अब मैं पिन को हटा दूंगी और इसे सीधा करके आपको दिखा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब इसके बाद हमें अपनी इलास्टिक लेनी है। तो देखिए मैंने 13.5 इंच की एक इलास्टिक ली हुई है। 1/2 इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा तो टोटल 13 इंच का हम इलास्टिक अपने जो जंप सूट है उसकी वेस्ट में लगाने वाले हैं। तो इसे हमें इस तरह से मोड़ करके हमें इसमें सिलाई कर लेनी है। अच्छे से अपने सिलाई को पक्की कर लेने के बाद अब हमारा जो जंपसूट है इसे उल्टा करना है और जो हमने वेस्ट लाइन पे सिलाई किया था उसी पे हमें ये इलास्टिक को इस तरह से मिला लेना है और फिर उसी वेस्ट लाइन की सिलाई पे हमें इसे बैठा करके सिल लेना है। सो एक बार जो आपकी इलास्टिक उस आपकी वेस्ट लाइन में अटैच हो जाएगी तो आपका ये जंप सूट बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें हमें सिर्फ बटन्स लगाने होंगे। आप कोई भी शो बटन इसमें लगा सकते हैं। अंदर के साइड में आप हुक भी लगा सकते हैं और ऊपर के साइड से आप शो बटन लगा सकते हैं आप चाहे तो। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को टांगते हुए लगानी है। देख सकते हैं हमारा जंप सूट बन के रेडी हो चुका है। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।